हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट के बारे में, और उसके साथ ही हम जानेंगे कैल्शियम सिट्रेजिन टेबलेट जो कि 500 mg है, उन दोनों के बारे में। जिन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और इनसे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और किन किन को लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं इन टेबलेट को लेती हैं, जो कि कैल्शियम की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको कैल्शियम प्लस ताकत की भी आवश्यकता होती है। तो जब कैल्शियम की टेबलेट उन्हें कैल्शियम की जो प्रॉब्लम होती है उसे में यूज़फुल होती है, और उसके साथ ही ये आयरन की टेबलेट ये दोनों टेबलेट आपको सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क प्राप्त हो जाती हैं, जो कि आपके नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पर, और सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम जानेंगे इसका कैसे लेनी चाहिए। तो आयरन की टेबलेट कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये एक टेबलेट खाना खाने के बाद प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती हैं। एक टेबलेट इसे दिन में लेनी चाहिए पानी के साथ, और उसके बाद ये आती है कैल्शियम टेबलेट। कैल्शियम टेबलेट को रात को सोते टाइम दूध के साथ एक टेबलेट लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है। रात में सोते टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेबलेट सोने के बाद ही असर करती है। और क्या ये और समस्याओं में, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है, घुटनों में और कोहनी में और जो कमर है उसमें जो पेन होता है, उसके लिए आयरन की टेबलेट बहुत आवश्यकता है, जो कि 30 से प्लस वाले उम्र के हैं, जो वयस्क लोग हैं उनके में ये दर्द ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कैल्शियम में उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो कि 15 साल से नीचे हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनके भी ये प्रॉब्लम होती है, पर उनको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, उनको अपने खान पान पर ही ध्यान देना चाहिए, और बाकी सभी ये दोनों टेबलेट हैं अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दोनों टेबलेट अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।